नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दो दो बड़ी खुशखबरी। सरकार ने की तैयारी, बढ़ने वाले हैं DA और फिटमेंट फैक्टर। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होगी और सरकार फिटमेंट फैक्टर में कितनी बढ़ोतरी करने जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उनकी सैलरी और पेंशन के समय समय पर बढ़ोतरी करती रहती है, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा पैसे का लाभ मिलता है। एक बार फिर से सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट देने जा रही है। सरकार की तरफ से कर्मचारी के DA और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होने वाली है, जिसका सीधा सीधा फायदा केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी और पेंशन भोगियों को मिलने वाला है। दोस्तों, इससे कर्मचारी को मिलने वाले पैसे में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी होने की संभावना है। दोस्तों, सरकार की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें कर्मचारी की सैलरी और पेंशन दोनों में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। सरकार DA में 4% की बढ़ोतरी करने वाली है और फिटमेंट फैक्टर 3.68 होगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, अगर सातवें वेतन आयोग की बात करें तो कर्मचारियों को इसमें 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जा रहा है। वही अब सरकार इसे 3.68 करती है तो इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर केंद्रीय कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर और DA की बढ़ोतरी का लाभ मिलता है तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी और उनके खाते में आएगी मोटी रकम। सरकार की तरफ से होने वाली इन बढ़ोतरियों के बाद कर्मचारी की बेसिक सैलरी में काफ़ी इजाफा होगा। साथ में जो न्यूनतम बेसिक सैलरी है कर्मचारियों की, जो 18,000 रुपये है, वह बढ़कर सीधी 26,000 रुपये हो जाएगी। इस बढ़ोतरी से हर कर्मचारी को और फिर पेंशन भोगी हो उसको हर साल के हिसाब से करीब 1,00,000 रुपये का फ़ायदा होगा, जो कि उनकी सैलरी की बढ़ोतरी के रूप में उनको मिलने वाला है। दोस्तों, सरकार की तरफ से साल 2016 में कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद उनकी सैलरी में काफ़ी बूस्ट आया। अब सब लोग खुशी के मारे झूम उठे हैं। अब एक बार फिर से मीडिया रिपोर्ट में उनकी चर्चा जोरों शोरों से होने लगी है। सरकार के द्वारा कर्मचारी के DA में भी 4% की बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46% हो जाएगा, जो फिलहाल 42% है। एक बात तो तय है कि सरकार की तरफ से जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी, क्योंकि जो कर्मचारी है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका इंतज़ार अब सरकार जल्द ही पूरा करेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।